खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 7:30 बजे तलब कर लिया है। वफाकी काबीना के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में ही होगा। 7:30 बजे ये इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी और ये इजलास पार्लियामेंट हाउस में ही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास 7:30 बजे तलब कर लिया। वफाकी काबीना के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में ही होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम डेवलपमेंट के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास 7:30 बजे तलब किया है और वफाकी काबीना के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में ही होगा। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, आगाह कीजिए, 7:30 बजे तलब किया गया है काबीना का इजलास। हो जाती है तो उसके बाद तो ये इम्कान नहीं है कि जैसे पूरे विश्वास का नोटिफिकेशन जो होगा, क्योंकि आईनी तरमीम के मंजूरी के बाद फिर जाहिर बात है कि कोई प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा जिसकी पार्लियामेंट जो है वो मंजूरी देगी। फिल वक्त की पोजिशन है वो तो यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की क्लियर तीन जज है और उन्हीं का नोटिफिकेशन होना है, लेकिन तरमीम के बाद जिसमें ख्याल बदल जाएगी। अच्छा अजहर, ये बताइए 7:30 बजे तलब किया गया है वफाकी काबीना का इजलास। जी, वफाकी काबीना का इजलास 7:30 बजे तलब किया गया है और वफाकी काबीना उस आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देगी जो कि पार्लियामान की खसूसी कमेटी ने जो अप्रूव किया था। जरा का ये बताना है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही वफाकी काबीना की ये इजलास होगा और तमाम वज़रा को ये कहा गया है कि वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच जाए यहाँ पे कमेटी रूम में, और उसके बाद सेनेट का इजलास चूंकि इस वक्त चल रहा है और हुकूमत का इरादा है कि आज ही सेनेट के इजलास में इस आईनी तरमीम के मसौदे को जो है वो पेश करके मंजूर करा लिया जाए। ठीक है अजहर फारूक, हमें इस मुताले का आगाह करें कि 7:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है और 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। पार्लियामेंट हाउस में इजलास होगा, उसके बाद सेनेट में भी इसको पेश किए जाने का आज इम्कान है।